नमस्कार, हिमाचल अभी अभी के न्यूज रूम से मैं पल्लवी शर्मा। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। जनजातीय जिला किन्नौर में 2 कोरोना पॉजिटिव, शिमला व बिलासपुर में एक एक केस। सीमा विवाद के बीच चाइना से सटे समदो बॉर्डर का दौरा करेंगे सीएम जयराम। एक बार फिर जयराम कैबिनेट विस्तार के चर्चे जोरों पर, राकेश व सुखराम के नाम आए सामने। निगम बोर्ड में भी ताजपोशी की तैयारी। एक दिन में कोरोना के 8,909 नए मामले, देश में कुल मरीज 2 लाख के पार। भीड़ ने नहीं होने दिया कोरोना संक्रमित का अंतिम संस्कार, आधा जला शव लेकर भागे परिजन। स्वाइन फ्लू की दवा से कोरोना के इलाज को मिल सकती है मंजूरी। आज मुंबई में तबाही मचा सकता है निसर्ग, 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा हुई हवा की रफ्तार। जॉर्ज फ्लॉयड मामला, अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन जारी, 67,000 नेशनल गार्ड तैनात। बुद्ध पूर्णिमा के दिन दलाई लामा की उपस्थिति में बोधिचित समारोह का होगा लाइव वेबकास्ट। कोरोना संकट के बीच मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू, आर्थिक मोर्चे पर लिए जा सकते हैं अहम फैसले। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर में भी कोरोना वायरस दस्तक दे चुका है। किन्नौर के सांगला में रहने वाला एक 45 वर्षीय पुरुष व 40 साल की महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। ये दोनों 26 मई को दिल्ली से लौटे थे और उर्नी में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में थे। दोनों को अब रिकांगपियो भेजा जा रहा है। उधर शिमला के रामपुर में और बिलासपुर में भी कोरोना का एक एक मामला पाया गया है। शिमला के रामपुर में 27 मई को दिल्ली से लौटे शख्स का सैंपल पॉजिटिव पाया गया है, जबकि बिलासपुर में सोलन का 31 साल का शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला है। बुधवार को एक ही दिन में कोरोना वायरस के 8,909 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ अब देश में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में ही इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर 217 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,776 लोग ठीक हुए हैं। अब देश में कुल मरीजों की संख्या 2,07,615 है, इसमें से 5,815 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कुल एक्टिव केस 1,01,497 है। ड्रैगन से सीमा विवाद के बीच सीएम जयराम ठाकुर चीन से सटे समदो बॉर्डर का दौरा करेंगे। ऐसा माना जा रहा है सीएम जयराम 6 जून को हेलीकॉप्टर से चीन सीमा से सटे समदो बॉर्डर तक जाएंगे। यहीं पर सेना के हेलीपैड पर उतरने के बाद वह सीमांत इलाके का निरीक्षण करेंगे। गौर हो पिछले महीने चीन के 2 सैन्य हेलीकॉप्टर 2 बार भारतीय सीमा के भीतर 12 किलोमीटर तक आ गए थे और जवाबी कार्रवाई से पहले ही लौट गए। चीन के हिमाचल में नया मुहाज खोलने की आशंका के बीच हिमाचल के सीएम के सीमा पर जाने को बड़ा रणनीतिक कदम कहा जा सकता है। जयराम कैबिनेट विस्तार के चर्चे एक बार फिर जोरों पर हैं। ऐसा कहा जा रहा है जयराम सरकार में खाली पड़े मंत्रियों के 3 पद शीघ्र भरे जाएंगे। मंत्री पद लंबे अरसे से खाली चल रहे हैं। कांगड़ा जिला के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक राकेश पठानिया और सिरमौर जिला के पांवटा साहिब से विधायक सुखराम चौधरी मंत्री पद की दौड़ में बहुत आगे हैं। राजनीतिक संतुलन कायम करने के परिदृश्य के हिसाब से दोनों विधायकों का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। यह तय माना जा रहा है कि सरकार में खाली पड़े मंत्रियों के 3 पदों में से 2 भरे जाएंगे। एक पद खाली रखा जाएगा ताकि बीजेपी विधायकों में उम्मीदें जिंदा रहें। इसके साथ ही सतपाल सत्ती, महेंद्र धर्माणी और रणधीर शर्मा का भी सरकार में पुनर्वास तय माना जा रहा है। सतपाल सिंह सत्ती को उनकी पसंद का दायित्व मिलना निश्चित है। इन तीनों की निगम बोर्ड में ताजपोशी होनी है। कोरोना का डर लोगों के मन में इस कदर घर कर गया है कि कोरोना संक्रमित लोगों से दूरी बनाने के अलावा लोग कोरोना से मरने वालों के सार्वजनिक शमशान में अंतिम संस्कार को लेकर भी आपत्ति जता रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जम्मू कश्मीर के डोडा में से सामने आया, जहां कोरोना वायरस की वजह से एक बुजुर्ग की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार का लोग विरोध करने लगे। सार्वजनिक शमशान में शव का अंतिम संस्कार करने के विरोध में भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे हालात इतने खराब हुए कि परिजनों को आधा जला शव लेकर वहां से भागना पड़ा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड मौत मामले को लेकर हो रहे हिंसक प्रदर्शनों की वजह से अमेरिका में हालात बिगड़ गए हैं। लगभग 6 राज्यों और 13 बड़े शहरों में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। देश भर में नेशनल गार्ड के 67,000 सैनिकों को तैनात किया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में अमेरिका में कभी सैनिकों की तैनाती नहीं की गई थी। फ्लॉयड की हत्या को लेकर देश भर में हो रहे प्रदर्शनों में कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 4,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 40 शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है। अधिकारियों ने हिंसा और लूट की घटनाओं के बाद न्यूयॉर्क सिटी में कर्फ्यू लगा दिया और पुलिस की मौजूदगी को बढ़ा दिया। तिब्बतियों के धार्मिक गुरु दलाई लामा की उपस्थिति में 5 जून को मैक्लोडगंज स्थित उनके अस्थायी निवास स्थान में बुद्ध पूर्णिमा पर बोधिचित्त समारोह का आयोजन होगा। दुनिया भर में बौद्ध अनुयायी इस समारोह का लाइव वेबकास्ट पर सीधा प्रसारण देख पाएंगे। इस वर्ष कोरोना वायरस महामारी के चलते दलाई लामा अपने निवास से पूर्णिमा के दिन बोधिचित्त समारोह के अवसर पर लाइव वेबकास्ट पर गौतम बुद्ध की शिक्षाएं देंगे। बुद्ध पूर्णिमा को अनौपचारिक रूप से बुद्ध का जन्मदिन कहा जाता है। यह वास्तव में थेरावा परंपरा में गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु का जश्न मनाता है। निर्वासन में तिब्बती सागा दावा महीने यानी तिब्बती कैलेंडर के चौथे महीने के 7वें दिन बुद्ध का जन्मदिन याद करते हैं। यह दिन हिंदू महीने वैशाख में पूर्णिमा दिवस पर पड़ता है और इस साल यह 5 जून को मनाया जा रहा है। देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच राहत की बात यह है कि मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना का रिकवरी रेट 48.07% पहुंच गया है। डॉक्टर्स ने कुछ ऐसी दवाओं के कॉम्बिनेशन को अनुमति दी है जिससे मरीज जल्दी रिकवर हो रहे हैं। स्वाइन फ्लू की दवा से कोरोना के मरीजों में इलाज के लिए भी मंजूरी मिल सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उपयोग को कहा था, जिसके बाद इबोला को ठीक करने वाली रेमडेसिविर को भी मंजूरी मिली थी। इसके बाद अब हो सकता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च स्वाइन फ्लू की दवा को भी अनुमति दे दे। कोरोना वायरस संकट के बीच आज एक बार फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक हो रही है। इस हफ्ते होने वाली ये दूसरी मोदी कैबिनेट की बैठक है। इस बैठक में आर्थिक मोर्चे पर कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें एमएसएमई सेक्टर और किसानों को लेकर कुछ बड़े फैसले किए गए थे। आज होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर हर किसी की नजर है। इसी के साथ कोरोना वायरस पर ये स्पेशल बुलेटिन यहीं पर खत्म होता है। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।